हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु नंदवानी आ गया हूं आपके लिए एक और वीडियो लेकर ऑडिटिंग की बेसिक सीरीज में। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है टेस्ट चेकिंग क्या होता है और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं टेस्ट चेकिंग क्या होता है। देखिए, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे रिलायंस हो गई, टाटा हो गई, L&T हो गई, इसमें हजारों करोड़ ट्रांजेक्शन्स होते हैं। एक ऑडिटर अगर सारे के सारे ट्रांजेक्शन्स चेक करने गया तो उसके सारे के सारे बाल उड़ जाएंगे, तभी भी सारे ट्रांजेक्शन्स खत्म नहीं होंगे। और जितनी भी बड़ी टीम क्यों ना ले जाए, सारे ट्रांजेक्शन चेक करना ऐसी कंपनीज में पॉसिबल ही नहीं होता है। तो ऐसी कंपनीज में ऑडिटर करता क्या है? ऑडिटर साइंटिफिक बेसिस पे कुछ सैंपल्स लेता है या कुछ ट्रांजेक्शन्स लेता है और उन ट्रांजेक्शन्स को डीप में चेक कर लेता है। डीप में मतलब फ्रॉम इट्स इनिशियल फेज, दैट इज जब वो ट्रांजेक्शन इनिशिएट हुआ, वहां से लेके उसके एंड तक सब कुछ चेक कर लेगा। ये कैसा हो गया? ये सैंपलिंग जैसा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मैंगो की टेस्टिंग कर रहा हूँ तो अगर सारे मैंगोज में खा के देख लूंगा और फिर बोलूंगा कि हाँ पर सारे मैंगो अच्छे हैं या खराब है, तो नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि बेचने के लिए मैंगोस बचेंगे नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे ट्रक में से 2-4 मैंगो खा के देखते हैं और उसके बेसिस पे बोलते हैं कि हाँ भाई मैंगो की क्वालिटी अच्छी है या नहीं है। इन द सेम वे टेस्ट चेकिंग भी एक तरह से सैम्पलिंग ही होती है। जब ऑडिटर कुछ ट्रांजेक्शन चेक करता है, डीप में चेक करता है और उन ट्रांजेक्शन के बेसिस पे वो अपना ओपिनियन देता है, तो उसको टेस्ट चेकिंग बोलते हैं। तो वो लिखा है, देखिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू चेक ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन इन लार्ज बिजनेस। बड़े बिजनेस में हर एक ट्रांजेक्शन चेक करना पॉसिबल नहीं होता है। इंस्टेड ऑडिटर चेक सब सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन। इसके बदले ऑडिटर क्या करता है, कुछ सिलेक्टेड ट्रांजेक्शन चेक करता है, लेकिन कैसे, डिटेल में। दिस इज कॉल्ड टेस्ट चेकिंग। इसको हम लोग टेस्ट चेकिंग बोलते हैं या सैंपल चेकिंग भी बोलते हैं। ऑफ कोर्स, इफ लेटर ऑन एनी फ्रॉड और एरर इज डिस्कवर्ड, द ऑडिटर विल बी लायबल फॉर द सेम। लेकिन ऑडिटर ये नहीं बोल सकता कि क्योंकि मैंने टेस्ट चेकिंग की थी इसकी वजह से एरर्स एंड फ्रॉड्स डिटेक्ट करना रह गया। तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि टेस्ट चेकिंग की इसकी वजह से एरर्स एंड फ्रॉड्स डिटेक्ट नहीं हुए। ऑडिटर तो लायबल ठहराया जाएगा अगर बाद में एरर्स एंड फ्रॉड्स मिलते हैं। इसलिए ऑडिटर टेस्ट चेकिंग तभी करता है जब उसको लगता है इंटरन कंट्रोल सिस्टम और इंटरन चेक सिस्टम जो है कंपनी का, वो बहुत ही भरोसेमंद है या रिलायबल है, तो ही वो टेस्ट चेकिंग करेगा। अदरवाइज वो रूटीन चेकिंग करेगा, सारे ट्रांजेक्शन ही चेक करेगा। लेकिन बड़ी बड़ी कंपनीज में जैसे रिलायंस हो गया, L&T हो गया, टाटा हो गया, वहाँ पर इंटरन चेक सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है, तभी वो टेस्ट चेकिंग कर सकता है। Thus, test checking is checking of selected items. It is not possible for the auditor to examine each and every transaction of the business. Hence, he selects some representative or important items and examine them in detail. क्योंकि सब transaction check करना possible नहीं होता, तो वो कुछ selected transactions को select करता है, उसको detail में check कर लेता है। Simple है, ये हो गया meaning of test checking. अब बात करते हैं उसके advantages. ये आपको दिख रहे हैं एडवांटेजेस। तो पहला एडवांटेज बहुत ईजी है, इट सेव्स टाइम, एनर्जी एंड कॉस्ट। बहुत सारा टाइम, एनर्जी और कॉस्ट बच जाता है किसका, ऑडिटर का। सेकंड, इट इज़ यूजफुल व्हेन सिलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन इज मेड प्रॉपरली एंड इंटेलिजेंटली। कहने का मतलब, अगर ऑडिटर ने इंटेलिजेंटली और प्रॉपरली सैंपल्स को या ट्रांजेक्शन्स को चूज किया है, तो ये जो सिस्टम है या ये जो मेथड है टेस्ट चेकिंग, वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती है। तीसरा, इट रिड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ डिटेल चेकिंग एंड हेल्प्स द कंप्लीशन ऑफ ऑडिट एक्सपीडिशियसली। क्या बहुत ज़्यादा डिटेल में चेकिंग करने की जरूरत नहीं होती, उसके बावजूद भी एक्सपीडिशियसली, दैट इज एक्सपर्ट मैनर में पूरा काम कंप्लीट कर सकता है, कौन, ऑडिटर। और लास्ट में, द ऑडिट कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑडिट्स एंड दस एक्सपैंड द फील्ड ऑफ हिज सर्विसेज। वो अपने स्कोप को एक्सपांड कर सकता है। कहने का मतलब, अगर वो सारे ट्रांजेक्शन चेक कर पाएगा तो शायद सिर्फ परचेजेस के डिटेल्स या सिर्फ परचेजेस के ट्रांजेक्शन ही चेक कर पाएगा या फिर सिर्फ सेल्स के ट्रांजेक्शन ही चेक कर पाएगा। लेकिन जब वो टेस्ट चेकिंग करता है तो वो सब के थोड़े थोड़े ट्रांजेक्शन ले लेता है। इसकी वजह से स्कोप ऑफ ऑडिट बहुत ज़्यादा वाइड हो जाता है। सिंपल, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा टेस्ट चेकिंग का मीनिंग क्या होता है और उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। अगर आपको लगता है मेरा वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।